पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकतांत्रिक जनता दल मुरादाबाद की जिला कार्यकारिणी की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन प्रदेश कार्यकारिणी समिति की सदस्य उषा देवी के आवास पर हुआ। आयोजित बैठक की अध्यक्षता सुदेश राघव ने की और संचालन अंकित कुमार के द्वारा किया गया। वक्ताओं को संबोधित करते हुए सभी ने अपने विचार रखे। आयोजित बैठक में कहा गया कि किसानों, गरीब, मजदूर, भ्रष्टाचार, महंगाई, सभी पर सभी ने विचार रखे। तो वहीं जिलाध्यक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज जो समाज में कुरीतियां हैं और लोग भाजपा सरकार से हर वर्ग के लोग परेशान हैं, इस पर जोर देना होगा और सभी को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। इस अवसर पर बैठक में अन्य जनपदों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लोकतांत्रिक जनता दल की जो बैठक आज हुई है, उसका उद्देश्य है जो हमारे किसानों को टाइम पे गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा है, जो किसान परेशान हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कहीं ऑफिसों में जाते हैं उनसे दलाली मांगी जाती है और जो हमारे जो लड़के जो फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारे जो भी कर्मचारी हैं, उन्हें टाइम पे वेतन नहीं मिलता है और 10 दिन का 15 दिन काम करा के उन्हें भगा दिया जाता है और उन्हें परेशान कराया जाता है। 10-10 दिन उनके निकल जाते हैं इसी काम में, फैक्ट्री तनख्वाह लेने जाना, एक दूसरे को करना, घर पे बैठे रहते हैं, 10 दिन काम किया, 10 दिन के बाद में फिर वो खाली हो जाते हैं। तो उनके लिए हमारी लोकतांत्रिक जनता दल ने जो बैठक की है और मीटिंग हुई है, इसके बारे में जो भी उनके लिए आ बनेगा वो करेंगे और कोई उन्हें ज़्यादा परेशान कर ले कि करेगा तो उसके लिए हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इन पदाधिकारियों की हमने आज घोषणा की है, माननीय प्रदेश महासचिव के निर्देशानुसार उनके नाम इस प्रकार हैं। जिला महासचिव राजेश कुमार कश्यप मैन बॉडी, जिला सचिव मनोज कुमार, जिला उपाध्यक्ष ठाकुर अंकित कुमार, जिला सचिव शुभम कुमार, दिनेश पाल नगर अध्यक्ष मुरादाबाद, सुमित चौहान युवा जिला अध्यक्ष, रजत ठाकुर जिला सचिव, शाहने आलम जिला सचिव, ठाकुर सुरेश राघव वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, ये दोबारा नाम आ गया थोड़ा, दिनेश पाल महानगर अध्यक्ष मुरादाबाद, आतिफ रजा महासचिव मुरादाबाद नगर, मनीता राव महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मुरादाबाद, मोनू कुमार जिला उपाध्यक्ष मुरादाबाद।